अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और बड़ी देर की मेहरबान आते आते तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा विशेस जो हैं वो भेजे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब, फेसबुक पे, व्लॉग बनाओ भाई, गाड़ी का व्लॉग बनाओ, हमें दिखाओ, हमें 10-15 सेकंड वीडियो से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सो वेलकम बैक। आप लोगों को बताता चलूँ, टाइटल और थंबनेल से आप लोगों ने अंदाज़ा लगाया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमने ली है, बल्कि गाड़ी तो मेरी है, लेकिन हम का मतलब इस वजह से हम का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया कि क्रेडिट गोज़ टू दिस मैन। क्यों मुझे नहीं पता, हमें सिर्फ चाबी स्विच करना आता है, बाकी हमें नहीं पता इनके डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है, इसकी कितने पीसेस वो रंग होते हैं, अजीब सी बातें थी ना। तो मैंने मौलाना भाई को बता दिया, मनान भाई को, कि मेरे पास इतना बजट है और इस बजट में मुझे गाड़ी चाहिए। मुझे बिल्कुल भी ज़ीरो एक्सपीरियंस था। तो 10-15 दिन दौड़ भाग के बाद हमें गाड़ी मिल गई और डॉक्यूमेंट से ओके मतलब तसल्ली हो गई है। तो फाइनली इस मैन का बहुत शुक्रिया, इस बंदे का, कि उन्होंने एक अच्छी गाड़ी एक अच्छे बजट में दे दी है। सो ये कौन सी मॉडल है उसको बताओ ज़रा। ये 2007 मॉडल एक्स और 30 लाख में मिली है। 30 लाख में तकरीबन फाइनल हो चुकी है, डॉक्यूमेंट वगैरह बिल्कुल ओके हैं, एक्सियो वाइट कलर है। तो ये लोग कह रहे थे टिकटॉक वीडियो से कुछ नहीं थे, ज़रा व्लॉग दिखाओ, गाड़ी दिखाओ क्या है। और बाकी तुम लोग अगर मॉडिफिकेशन के बताओगे, तुम लोगों को पता है ना मैंने बाइक चलाई है, गाड़ी नहीं चलाई है, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट मॉडिफिकेशन। सो आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी आप मुझे बता सकते हैं, हमने गाड़ी आगे बहुत सी मॉडिफाई करनी है, मतलब सही चक्का से मॉडिफाई करनी है। इसको तो आइडिया है, इन सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरी पब्लिक भी है, आप लोग से भी जाना। इस तरह की स्पॉइलर वगैरह लगाते हैं लोग ना, थोड़ा ड्रॉप कर लेते हैं, इसका कोनाटा ही थोड़ा ऊपर है ना, ये सब कुछ करेंगे हाँ। लेकिन अभी फिलहाल इतना किया है कि चला सकते हैं, ड्राइविंग भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इतना है कि बस अपना बचा सकते हैं। तो अब आगे क्या करना है आपने इस गाड़ी का? इंशाल्लाह थोड़ा सा ड्रॉप करना है और स्पॉइलर वगैरह लगाना है, फिर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, उसकी भी टाइम लगेगा थोड़ा। हम अपडेट करेंगे गाड़ी में, जिस तरह भी अपडेट लेके आएंगे, आपको भी अपडेट करेंगे। तो फिलहाल जो है हम लोगों ने आपको इतना बता दिया कि ये है गाड़ी, और आगे आपको जो है एक मोंटाज दिखाते हैं गाड़ी की, आने जाने पीछे, समझ रहे हो ना, तो वो इंजॉय करो, इसके बाद देखते हैं। आप लोगों ने इंट्रो वगैरह प्रोमो वगैरह देख ली गाड़ी की, उम्मीद है बस हमने बेस्ट ट्राई की है। राजा अस्सलाम वालेकुम, संग चल रहे खैर दे तबीयत खद है अल्हम्दुलिल्लाह सगाड़े मु को तुम सर शमाई से मिला शमाई कुर्बान यारा मु व्लॉग जोड़ो ले लाओ सा सम जोड़ो ले अपन शिव ना इस मस ना ना खैर दे समझ जाने से खिदमत को चायर बानी बस कमा सदर बानी कमा फशार थैंक यू अल्लाह थैंक यू। अभी आप लोगों को इंटीरियर थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं मौलाना भाई, इसका इंटीरियर दिखा देते हैं। ये कोई म्यूजिक लगा हो इसमें, म्यूजिक मतलब ये लेटेस्ट मॉडल है, ये इसको क्या बोलते हैं इसका तो पेड़ एंड्रॉइड पैनल, इसको क्या एंड्रॉइड पैनल, तो ये एंड्रॉइड पैनल लेटेस्ट वगैरह। यहाँ पे हम रात के वक्त नेटफ्लिक्स वगैरह भी ले सकते हैं, और यहाँ पे इसमें बहुत सारी गाने हैं, और जो मेरे ये खूबसूरत मेरा फेवरेट है। और ये जब हम अबू के साथ बैठे होते हैं तो ये लगाते हैं, रहमान या रहमान। और जब हम साउंड आपको कैसे लगा है? बहुत ज़बरदस्त, ये लोग दिखाते हैं ना। और जब हम मैं और मौलाना साथ होते हैं तो ये लगाते हैं। और जब हमारे पास बूढ़े लोग होते हैं तो हम उनको ये लगाते हैं। ये तो बहुत खतरनाक चीज है अरे भी, इसमें सबर करो। ये जब हमारे साथ बूढ़े लोग होते हैं ना तो उनको हम ये लगाते हैं। मोबाइल मुझे दे दो, इंटीरियर दिखा लोगों को, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा और आपके साथ अच्छा भी लग रहा है वैसे ये गाड़ी। बस हम सादे से लोग हैं, बस ओके गाड़ी चाहिए, चाबी घुमा के कहीं जाए आए पाए, बाकी तुम लोग के आरामपन है वो मॉडिफाई वाला,
मेरे अबू ने सख्ती से मना किया कि तुमने ये ऊँची ऊँची चीज़ें नहीं लगाना। मैंने कहा अबू पेशावर हैं और वहाँ पेशावर के रहते हो, मॉडिफाई नहीं करोगे गाड़ी तो थू। मैंने कहा अपनी गाड़ियाँ थोड़ी नीचे वीचे करके फिर उसको बताऊंगा कि यार किसी और ने बताया लगाया पता नहीं। नहीं, आपने उस अबू को ये भी बोला कि ये खराब है इसलिए थोड़ा ऊपर है, ये सही करेंगे तो नीचे आ। मैंने उसको बता दिया कि यार थोड़ा नीचे करते हैं तो अच्छा रहेगा ना, उसका भी इतना वो नहीं है लेकिन बहरहाल। अच्छा ये बताओ गाड़ी का जो आप प्रोग्राम वगैरह करोगे वो तो वैसे भी इंशाल्लाह मुनाल जाएंगे, बट अभी जो हमने शॉर्ट लिए आपके ना तो हमें इसके लिए भी कुछ खाने का मूड कर रहा है। तो आप लोग जहाँ चाहे आप लोग हम इसको लेके जाएंगे और वहाँ पे आप जो गाइस हम उधर खाने वाने के लिए जाते हैं आपको तो चलते हैं। चलो तो आप लोगों के लिए कुछ जो है शॉर्ट वॉर्ड ले लिए। अब मौलाना भाई कह रहे हैं ट्रीट, तो हम वैसे भी मुनाल जा रहे हैं, फॉर राइट नाउ हम फूड स्ट्रीट जा रहे हैं हयातबाद, तो वहाँ पे कुछ खाना पीना करेंगे। हमारे पास कैमरामैन मौजूद है, हमारे लीडर स्नाइपर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर कैमरा वर्क। और अभी फूड स्ट्रीट जाएंगे, वहाँ पे जो इनका मर्जी करे खा लेते हैं। और बात रही मॉडिफिकेशन की, तो इंशाल्लाह आप लोग अपडेट करके रहना और हम आपको अपडेट करके रहेंगे कि कौन सा बुर्जा कहाँ पे लगाया है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, विशिंग बहुत ज़्यादा आप लोगों की आई थी कि यार इंस्टाग्राम टिकटॉक हर जगह पे बहुत बहुत मुबारक हो। आई नो एक मिडिल क्लास लड़के के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक होते हैं ना इनके आबाओ अजदाद करोड़पति अरबपति होते हैं, इनके पास एक 50-70-80 करोड़ की गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं होती, इनको ईजी मिल जाते हैं। उनसे पूछो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो 3 मिलियन की गाड़ी लेते हैं, उनका क्या हाल होता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। और हाँ आखिरी बात जो रही है वो ये है कि हम 100K सब्सक्राइबर के बहुत क्लोज हैं, सो सब्सक्राइब करके बिना नहीं जाना है। तो अब चलते हैं फूड स्ट्रीट, वहाँ आपको मिलते हैं क्या क्या खाने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे कढ़ाई का बंदोबस्त किया है क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं है। तो मौलाना भाई कढ़ाई ओके है ना? बिल्कुल आपके हाथ से हम जहर भी खा लेंगे। ओहो ये तो रायता वायता फिलहाल आ चुका है। और सलाम भाई ओके कढ़ाई, चिकन कढ़ाई नॉट बीफ कढ़ाई? आप बिल दोगे तो जहर भी खा लेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। चिकन कढ़ाई खाने के बाद हम निकले बूट कैंप। आज का व्लॉग इतना ही था, एंडिंग इस वजह से याद नहीं आया क्योंकि कुछ खास था ही नहीं। एक अच्छे व्लॉग के साथ मिलेंगे इस्लामाबाद में नई व्यू के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।